हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण वंदना। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं मायके आई हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ खेत में। दिखाती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। ठंड लग रही है सुबह सुबह, इसे मैंने शॉल ओढ़ दिया है। बहुत ठंड है। तो ये देखिए गाइस, मौसम रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बादल भी है, मौसम बादला सा है। तो हमने शूज क्या पहनो। तो गाइस ये देखिए, इधर को ऊपर को, ये यहाँ पे भी क्लाउडी मौसम है। तो गाइस आज बहुत ठंडा मौसम है और बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो फिर भी मैं जा ही रही हूँ फार्म के लिए। मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, अब जाने के लिए रास्ते ही नहीं है इसमें। तो ये देखिए गाइस, कैसे अनार खराब हो रहे हैं, ये देखिए कैसे फट रहे हैं बारिश की वजह से, और इनको तोते भी खा रहे हैं। शायद आज सारे अनार तोड़ेंगे, इनको मार्केट बेचेंगे। जो अच्छे अच्छे हो गए, जो बेकार है उनको तो फेंक देंगे। ये देखो कितने बड़े बड़े अनार है। आपने क्या लाया माते माता श्री, क्या लेकर आए आप? अच्छा, आओ। हाँ जी, तो चल जाओ पान थाला दी। अच्छा, मार्केट चलने ना पापा। तो गाइस ये देखिए, मेरी माता श्री तोड़ रहे हैं। जुनी छुट के ना दू चौन ना सदन रोने ना इन गश में दूर छूट याद ही उब डोंट तो भी नहीं रहना। मम्मी ने तो जोर मारा है भाई तोड़ने पे। और ये देखिए, ये मिर्ची का पौधा मुझे किसी ने दिया था, बहुत दूर से भेजा, ये पंजाब से भेजा था मेरे किसी फ्रेंड ने, उन्होंने दिया था मुझे बीज। तो फिर मैंने मम्मी को दिया था, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे ना अच्छी होती है ये चेरी मिर्च है ये। तो अभी छोटी छोटी है, तो ये ना हमारे उसके काम भी आती है, जैसे पौधों में ना दवाइयों में, जैसे पापा बनाते हैं ना दवाइयाँ, तो उसमें भी काम आते हैं पापा। इसको बोलते हैं भूत मिर्ची। क्या जी आपको? ओहो, रुक रुक गाइज, ये देखिए कितना बड़ा अनार मिला है मेरी माता को। इतना बड़ा अनार, ये तो आधा पौना किलो का है। किलो का तो नहीं होगा मम्मी, आधे किलो का होगा, आधा पौने किलो का तो है भाई।
हाय, पर ये फट गया, ये अपने लिए रखना पड़ेगा। बारिश की वजह से ना ये सारे ब्रेक हो रहे हैं, सब में दरारें पड़ रही है, कोई फट रहे है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ कैसे फट रहे बारिश की वजह से। ए भगवान। तो गाइज ये हम इसमें भर रहे किल्टे में, तो ये देखिए कैसे ब्रेक हो गए बारिश की वजह से, कैसे फट रहे है, दरारें पड़ रही है। ये हम अपने लिए रखेंगे और जो अच्छे अच्छे हैं उनको मार्केट भेजेंगे। वैसे ऐसे हो रहे हैं, बट ये थोड़ा बहुत छिलका ख़राब हो रहा है बारिश की वजह से, सारा हो रहा है क्योंकि स्प्रे भी नहीं कर पा रहे ना। ये देखिए कितना अच्छा है। हाँ अब नहीं होती है नार्मल स्प्रे, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कब कब होती है, मम्मी बोल रहे हैं। तो गाइज ये देखिए कितनी सारी राजमा है, सारी तो नहीं है, मम्मी बोल रहे मेरी तो राजमा ही नहीं इस बारी। मम्मी को लगता है कि हम मांग लेंगे इनसे, हम मैं तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो खाती नहीं हूँ राजमा। कहाँ है रास्ता? हो अब मुझे दूसरे खेत में जाना है, मैं तो गिर जाऊँ पर मेरा फोन ना टूट जाए, फिर तो मेरी बहन मेरे को छोड़ेगी नहीं। हाँ जी, अच्छा तो मेरी छोटी बहन सांची ठाकुर मेरे को छोड़ेगी नहीं, जिसने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया है। बोलते मैंने बोला मुझे चक्कर आया और मेरा फ़ोन, माते ये क्यों नहीं तोड़ा, यहाँ बड़े वाला तीन लगे तब नहीं तोड़ा, ये मीडियम वाला एक यहाँ आगे, क्योंकि तीन लगे हैं ना इसमें। ओ पकड़ो है इन साड़ू है ना स्टॉल। आपने क्या लाया माते, माता श्री है? क्या लेकर आए आप? किल्टो। अच्छा आओ। ओए गए शूटिंग आ तुम्हें ते बने जब सब किल्टो चोनू और बनवा जो इत फिल पर था तो दे रहे हैं। हां जी तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अपनी फैमिली के साथ। और मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।